जैसा कि हम सब जानते हैं यूपीपीसीएस के अंदर आने वाली आरओ एआरओ की भर्ती के लास्ट कुछ टाइम रह गए, इस मोमेंट में आप रिवीजन के साथ साथ टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे। मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज आई हुई हैं, इनमें भी जो सबसे ज्यादा बिक रही है मार्केट में टेस्ट सीरीज, इन तीनों को मैंने लिया हुआ है। इनके दो सबसे बड़े फैक्टर पे बात करेंगे, कंटेंट ओरिएंटेड बात करेंगे, दूसरा इनकी विजुअल एड ओरिएंटेड बात करेंगे। सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। चलिए एक एक करके रिव्यू करते हैं इसका। तो ये तीनों टेस्ट सीरीज है, पहला धे आईएएस की, दूसरा स्टडी फॉर सिविल सर्विस, तीसरा जीएस वर्ल्ड का। एक एक करके देखते हैं। तो धे आईएएस की टेस्ट सीरीज पहला देखते हैं इसको। ये करीब 14 टेस्ट सीरीज आई हुई है मार्केट में। अब जब ओपन करेंगे तो इंस्ट्रक्शन, जैसा एग्जाम हॉल में इंस्ट्रक्शन आपका आता है, वो इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। ये जो टेस्ट सीरीज है ये बायलिंगुअल है, आपको पहले इंग्लिश के ये दिखेंगे क्वेश्चन, उसके बाद ये हिंदी के दिखेंगे। जो इनके फॉन्ट वगैरह हैं वो पेपर वाला फील दे रहे हैं, पहले इंग्लिश फिर हिंदी, इंग्लिश हिंदी। तो मतलब ये जो इनके क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं। एक्सप्लेनेशन भी ये बायलिंगुअल दिए हैं, मतलब इनके जो क्वेश्चन दिए वो भी बायलिंगुअल है और जो इनके एक्सप्लेनेशन है वो भी बायलिंगुअल है। बट इसमें जो फॉन्ट है एक्सप्लेनेशन वाला, ये आपको थोड़ा स्मॉल देखने को मिल सकता है, ये छोटे फॉन्ट थोड़े छोटे हैं। बट ये जो क्वेश्चन वाले फॉन्ट हैं ये काफ़ी सही और क्लियर हैं, आई कैची हैं। सेम वैसे ही सेकेंड भी है आपका पेपर, फॉन्ट जो इनके फॉन्ट के बीच स्पेस है वो काफ़ी सही है। बस यही इनका पीछे का जो आप देख रहे हो, ये एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, इनके फॉन्ट थोड़े छोटे आपको कंपैरेटिवली दिख सकते हैं। तीसरे में आपको फुल कंटेंट करंट अफेयर मार्च का इसमें दिखेगा, अप्रैल का फोर्थ में दिख जाएगा। ऐसे ये धे आईएएस की है, तो धे आईएएस में वही धे आईएएस में 10 के बाद थोड़ी हिंदी वाले टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। हिंदी के 60 क्वेश्चन आपको पता है, 60 क्वेश्चन के बाद ये एक्सप्लेनेशन पीछे एक्सप्लेन किया है, एक एक लाइन का है, तो वो एक एक लाइन में ही बता दिया है चीजों को। अब देखते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज, इसके कंटेंट, इसके विजुअल एड्स कैसे हैं। कि जो धे आईएएस वाला था स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दिया था, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विस। इनका जो पेज है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड टाइप ऑफ फील नहीं हो रहा है, इनके जो दो क्वेश्चन के बीच में जो गैप है ये थोड़ा ज़्यादा है उस धे के कंपेरेटिवली, तो ये थोड़ा क्लियर आपको दिख रहा है। ये भी जैसा धे आईएएस का था वो भी बायलिंगुअल में ही है, बट वो उसमें क्या था कि आपको एक पेज पे पूरा हिंदी था, एक पे पूरा इंग्लिश था, लेकिन ये एक ही पेज पे पहले हिंदी दे रहे हैं फिर इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इनका कैसा है। इनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग है धे आईएएस से, उसमें आंसर क्यों उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन ये आंसर की भी साथ में देते चल रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी और हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी ये काफ़ी सही है। एक्सप्लेनेशन आई कैची है, क्लियर है। और भी इसमें आती रहेंगी तो वो ऐड होता जाएगा समय के अकॉर्डिंग, तो वो आप कांटेक्ट करके जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है वहाँ पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ले सकते हैं, ये परचेज वहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो तीसरी है जो सबसे ज़्यादा मार्केट में बिक रही है इस जीएस वर्ल्ड की, ये थोड़ा इन दोनों से अलग है। अलग मतलब क्या, जो स्टार्टिंग से एक से लेकर चार तक इनकी टेस्ट सीरीज है वो सब्जेक्ट वाइज है। पहला टेस्ट सीरीज हिस्ट्री का, दूसरा जियोग्राफी का, तीसरा पॉलिटी, चौथा इकोनॉमी का, तो ये चारों इसमें ही है। देखते हैं कि करके, तो ये इंट्रक्शन से ये भी स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ें। ये पहला हिस्ट्री का है जिसमें हिस्ट्री के 140 क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। अब उसके बाद एक्सप्लेनेशन इसका पीछे देखते हैं। हिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन आपको इसमें सिर्फ हिंदी हिंदी दिख रहा होगा, यहाँ पे कहीं आपको इंग्लिश नहीं दिख रही है। मतलब जो जीएस वर्ल्ड का क्वेश्चंस है वो तो बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में दिखेगा, बट आपको एक्सप्लेनेशन जो इसका दिखेगा जीएस वर्ल्ड का वो ओनली हिंदी में दिखेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिर्फ हिंदी हिंदी है, बट इनके जो फॉन्ट्स हैं वो बहुत ही आई कैची हैं, क्लियर हैं, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
सेकेंड उसी में आपको जियोग्राफी का है, जियोग्राफी भी अगेन वैसे ही स्टार्ट हो रही है, हिंदी इंग्लिश करके स्टार्ट हो रही है, और जो एक्सप्लेनेशन है इसका सिर्फ और सिर्फ हिंदी में है। 5 से लेके 8 तक इसमें 2 तो फुल टेस्ट मिलेगा और इसमें 2 जनरल हिंदी मिलेगी। 9 से लेके 11 वाले में 9वीं इकोनॉमी मिलेगी, 10वीं जनरल साइंस मिलेगी, 11वां फुल टेस्ट मिलेगा आपको, जो फुल लेंथ टेस्ट होता है जो मिक्स वाले आते हैं वो सारे। उसके बाद 12 से लेकर 14 तक में 2 फुल टेस्ट मिलेगा और 1 14वां जनरल हिंदी मिलेगी। जो भी इनके अपकमिंग होंगे वो आप कॉल करके पूछ लेना कि अपकमिंग और कौन कौन से आ रहे हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही आपकी तैयारी कैसी है, कौन सी टेस्ट सीरीज आप यूज कर रहे हैं फिलहाल वो कमेंट करें। जितने भी फैक्टर्स मुझे देखे मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा, तो कैसे लगी आप कमेंट करके बताएं। साथ ही अगली वीडियो किस पे चाहिए ये भी कमेंट करें। जहां रहे सुरक्षित रहें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।